हेलो एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड टुडेज रेसिपी इज गाजर का बर्फी और यू कैन से कैरेट बर्फी। सो आज हम बहुत ही झटपट वे में एंड बहुत ही इंस्टेंट वे में बिना किसी मावा यूज करके एंड बिना ग्रेट करके गाजर का बर्फी बनाने वाले हैं, जो देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है एंड खाने में उतना ही शानदार और उतना ही टेस्टी लगेगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसको घर में बनाइए या किसी के घर गिफ्ट लेके भी जा सकते हैं। सो यह रहा आपका गाजर एंड इसको मैंने अच्छे से धो के पिलफ करके रखा है। यहाँ पे मैंने उसको इस तरह से चॉप करके रखा है। यहाँ पे आपको घिसना नहीं है। सो बहुत ही आसान तरीके से एंड बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा ये। एक कढ़ाई लीजिए, इसमें हाफ टेबल स्पून ऑफ घी लीजिए एंड ये सारा चॉप्ड गाजर को उसमें डाल दीजिए। गाजर को हम थोड़ा सा ही ऐसे घी के साथ सॉटे करेंगे एंड अब उसमें हम डाल देंगे करीबन हाफ कप ऑफ वाटर। ये बहुत ही इजी एंड जल्दी बनने वाला प्रोसेस है। सो इसमें हम हाफ कप ऑफ वाटर ऐड करके उसको लेड कवर करके करीबन 2 to 3 minutes के लिए कुक करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना सारा पानी निकल गया है गाजर का। सो इसी टेक्सचर में हमको पानी को थोड़ा सुखाना है। सो और 2-3 minutes उसको कुक करना है। देखिए यहाँ पे गाजर हमारा करीबन 50% तक बॉयल हो गया है एंड पानी भी ड्राई हो गया है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना इजीली गाजर यहाँ पे प्रेस हो रहा है। सो हमें इसी ये में उसको फ्लेम ऑफ करना है। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए गाजर को एंड उसको आप हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब पेस्ट नहीं बनाना है हमको, सो इसको हार्डली 5 seconds के लिए इसको ग्राइंड करना है, जिसे इवनली ये ग्राइंड हो जाए। देखिए इसी टेक्सचर में हमेशा ये था। सो आप सेम कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 tablespoons आप देसी घी डाल देंगे, थोड़ा सा क्रश इलायची एंड एक तेज़पत्ता। अब उसमें हम जो ग्राइंड किए थे गाजर को उसको डाल देंगे। अच्छे से हम उसको अब घी के साथ सॉटे करेंगे। जितना अच्छे से आप सॉटे करेंगे उसका जो वाटरी टेक्सचर है एंड उसका जो थोड़ा भी कच्चापन रह गया होगा वो आराम से निकल जाएगा एंड गाजर बहुत अच्छे से सॉटे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है टेस्ट को बैलेंस रखने के लिए। सो देखिए हमारा गाजर कितना अच्छे से सॉटे हो गया है। अब उसमें हम डालेंगे 1 cup ऑफ शुगर। चीनी डालने के बाद ही उसका जो गाजर का कलर आएगा वो ही आपको बर्फी में दिखेगा एंड वो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। सो पहले आप उसको घी के साथ सॉटे करेंगे एंड तब उसके बाद उसको चीनी ऐड करेंगे। देखिए चीनी को पूरा डिजॉल्व होने तक आपको इसे सॉटे करते रहना है एंड बिल्कुल ड्राई होने तक आपको गाजर को चलाना है। लीजिए गाजर हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया एंड ये कितना आसान से कढ़ाई छोड़ रहा है। सो लीजिए आपका तैयार हो गया है गाजर, जो कि हम अभी बर्फी बनाएंगे। अब उसमें हम डालेंगे मावा। सो मावा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 cup ऑफ मिल्क पाउडर, जिसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 cup ऑफ मिल्क। अच्छे से मैं उसको बिना गैस के फ्लेम पे रख के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए अब मैं गैस के फ्लेम के ऊपर रखूँगी एंड उसको अच्छे से कुक करूँगी। इस तरह से आपको कंटिन्यूसली स्टीयर करना है एंड देखिए मिल्क का मावा जो कि आप घर में बनाएंगे इंस्टेंट मावा वो बन के रेडी है। अब उसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी एंड देखिए ये कितना अच्छे से कढ़ाई छोड़ रहा है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट दूध का इस्तेमाल नहीं की हलवा के साथ। सो यहाँ पे मैं ऐसे मावा करके उसको ऐड करूँगी, क्योंकि हम बर्फी बनाएंगे एंड बर्फी का टेक्सचर हमें थोड़ा टाइट चाहिए। सो हमें इस तरह से जो इंस्टेंट मावा बनाए उसमें डालना है हमारा अच्छे से बनी हुई गाजर। सो लीजिए अब उसको हम एकदम स्लो फ्लेम में ही अच्छे से मिक्स करते जाना है। सो ये थोड़ा अब येलोइश कलर दिखेगा। आप चाहेंगे तो उसमें थोड़ा सा ही 2 tablespoons करीबन का शुगर ऐड कर लेंगे, जिससे कि उसका कलर फिर से थोड़ा निखर के आएगा एंड उसको हमें अच्छे से पूरा ड्राई होने तक ऐसे चलाते रहना है। लीजिए अब ये ठंडा हो रहा है, हमारा बर्फी बनने के लिए टेक्सचर बिल्कुल रेडी है। थोड़ा ठंडा होते ही हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, आप ट्रे चाहे तो ले सकते हैं, जिसको हम ग्रीस कर लेंगे घी के साथ। अब इस ट्रे में हम हलवा को सेट करेंगे। इलायची को भी हमने निकाल दिया है। सो देखिए ये हमारा गाजर बिल्कुल बनके तैयार है एंड इसी प्रोसेस में आप गाजर हलवा भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा एंड बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कढ़ाई एकदम खाली है, अच्छे से कढ़ाई छोड़ दिया है। हाथ को थोड़ा सा घी से ग्रीस करके
अब यहाँ पे गाजर को सेट कर लीजिए। बर्फी बनने के लिए हमारा टेक्सचर परफेक्ट है, देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया। अब उसके ऊपर हम चॉप्ड आलमंड एंड काजू डालेंगे। आपको जिस तरह से चाहिए, कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। सो इस तरह से उसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा एंड उसको थोड़ा टाइम के लिए हमें रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए रखना है। यहाँ पे मैंने करीबन आधा घंटे के लिए उसको स्टोर कर रही हूँ। आधा घंटे के बाद चलिए चेक करते हैं, देखिए ये कितना अच्छे से सेट हो गया है। अब हम उसको आराम से कट कर सकते हैं। आपको जिस शेप में पसंद है उसी शेप में कट कीजिएगा। मार्केट में इसका प्राइस बहुत ही कॉस्टली होता है। आप घर में देखिए कितना आसान तरीके से, कितना इंस्टेंटली बनाती है। बच्चों को क्या बड़ों को, ये सबको बहुत पसंद आने। विंटर में तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करना है। सो ये यहाँ पे हमें बर्फी को निकाल रही हूँ। बर्फी निकालने के बाद उसको थोड़ा सा हाथ में से आप सेट कर सकते हैं। लीजिए तैयार हो गया आपका कितना सुंदर एंड कितना परफेक्ट गाजर का बर्फी। सो इसी हिसाब से आप सारे के बर्फी निकाल दिए। यहीं पे देखिए मैं 600 ग्राम गाजर से यहाँ पे करीबन 8 पीसेस ऑफ बिग साइज ऑफ बर्फी रेडी है बनके। सो आप उसको चाहे तो छोटा छोटा पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए इसको छोटा पीसेस में कर दी हूँ एंड उसको थोड़ा सा सेव कर देके हाथ से। लीजिए तैयार हो गया आपका बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला गाजर का बर्फी। सो आप चाहिए कोई ओकेज़न में हो या कोई ओकेज़न भी ना हो, इसको आराम से बना के रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं एंड आराम से 15 दिन तक उसको खा सकते हैं। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग विद रेसिपी ऑफ द डे। If you like our recipes, then subscribe to our channel, hit the like button, and share with your family and friends. Thank you for watching.